या हुजूर सरकार गरीब नवाज, ये सब गुलाम आने गुलाम आने गुलाम आपकी बारगाह आपके दर दौलत पे हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे होंगे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ख्वाजा उस्मान हारूनी के मेले स्टार्ट होने से पहले क्या दरगाह शरीफ के अंदर क्या माहौल है, क्या खूबसूरत मंजर है, किस तरह तमाम जैन की भीड़ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मंजर होने वाला है दरगाह शरीफ के अंदर का, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और माशाल्लाह दरगाह के जो खुदाम खादिम है काफ़ी खूबसूरत दुआएँ खैर करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों कैमरा घुमाते हैं और दरगाह शरीफ के अंदर क्या माहौल रहता है, क्या नज़ारा रहता है आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह दोस्तों अभी मौजूद हूं मैं दरगाह के अंदर, और थोड़े दिनों में जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के जो है उर्स स्टार्ट होंगे माशाल्लाह। तो उर्स से पहले क्या मंजर है दरगाह के अंदर का, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो माशाल्लाह अभी देख सकते हैं अभी मैं आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ, पैती गेट की तरफ, और तमाम जैन के मेहमानों की भीड़ अभी देख सकते हैं माशाल्लाह। उर्स से कुछ दिन पहले का ये मंजर है माशाल्लाह, और उर्स को भी आने को कुछ दिन अभी है, तो उर्स से पहले का क्या मंजर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। अभी देख सकते हैं आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ का ये, तो माशाल्लाह दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया आस्थाने के दो नंबर गेट की तरह क्या मंजर था, और माशाल्लाह ख्वाजा उस्मान हारूनी के मौके उर्स के पहले का ही मंजर है, और अभी उर्स जब आएगा इंशाल्लाह आपको जो है जल्द हम वीडियो बना के जो है उर्स का ही मंजर दिखाएंगे। तो ये कुछ उर्स से पहले का मंजर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, किस तरह तमाम जैन मेहमानों की जो भी भीड़ है आप देख रहे होंगे माशाल्लाह। यह आस्थाने के दो नंबर गेट की तरह खूबसूरत मंजर था जो मैंने आपको दिखाया हूँ। तो अभी चलेंगे अपन साजानी मस्जिद, और साजानी मस्जिद का क्या मंजर रहता चलते और आपको दिखाते हैं। और माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ साजानी मस्जिद में, और साजानी मस्जिद का ही खूबसूरत मंजर है जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, देख सकते हैं। और अभी साजानी मस्जिद से होते हुए चल रहे अपन जन्नत दरवाजे की तरफ माशाल्लाह, देख सकते हैं सामने की तरफ आप देख रहे हैं ये जन्नत दरवाजा है माशाल्लाह। यहाँ पर ज़ायरीन मेहमान जो होते हैं अपने अकीदे के मन्नत के लाल धागे बांधते हैं, और जिनकी जो भी मन्नत मुराद होती है वो पूरी होती है माशाल्लाह। माशाल्लाह दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जन्नत दरवाजे की ज़ियारत भी करा दी है, और अब चल रहे अपन आस्थाने मुबारक की तरफ, जैसे कि आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ, वहाँ का भी क्या मंजर रहता है चलते और आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मंजर है आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ का, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ भी तमाम जैन मेहमान बैठे हुए अभी, और आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ भी तमाम जैन मेहमान खड़े हुए। तो एक खूबसूरत मंजर है आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ का, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं।
गुलाम आपकी बारगाह आपके दरे दौलत पे हाजिर है, इन सब की हाजियों को कबूल अता फरमाइए। जो बीमार है उनको शफाए कामिल अता फरमाइए। जो कर्जदार है उनको कर्जदारी सुजाता फरमाइए। हमारी दुआओं को मकबूल अता फरमाइए। तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया है नईम सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र में न गम में जाम तेरे मस्त हो, तेरी निगाह से चलता है कामयाब पाए। सब पे निगाह खास का फरमाइए बाप लाए माशाल्लाह। दोस्तों जैसे कि ख्वाजा उस्माने हारूनी के उरस से पहले का ये मंजर था जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, तो वीडियो को कैसी लगती कमेंट कर जरूर से बताना, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको अजमेर शरीफ देगा वीडियो मेरे चैनल मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।